जय बच्चों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 27 फरवरी से स्टार्ट है। और इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग बने होंगे तो आप लोग का तैयारी जो है वो पहले से कंप्लीट कराया जा चुका है। और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो आप लोग का अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश स्कोर के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए। ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग और वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा। और सारा इसमें जो डिस्कशन हो रहा है वो आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो सारे सवालों को ज़रूर समझिएगा। ये पहला सीरीज है, इसके बाद हम लोग और भी दूसरा वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आप लोग का अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इंग्लिश को लेकर। तो चलिए पहला इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशंस ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन। कह रहा है रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जो नरेशंस होता है वो इवेंट को किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इमिडिएटली पास्ट टेंस, है ना, पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू पर आइएगा, वेल प्रिपेयरिंग नोट्स, नोट्स बनाते समय हम लोग क्या है यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट सेंटेंस को क्या यूज़ नहीं करते हैं। अगर पूछा क्या यूज़ करते हैं तो फ्रेसेस यानी ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। इसे यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है वाक्यांश। यानी सेकंड का अगर पूछा जाता है इन विच नहीं यूज़ किया जाता है ना, नेवर यूज, तो कंप्लीट सेंटेंस और यूज़ करने के लिए हो जाएगा फ्रेसेस यानी ऑप्शन नंबर वन। आगे अगर कभी कभी हो सकता है सवाल पूछ दे कि प्रिपेयरिंग करते समय नोट्स का क्या यूज़ किया जाता है ना, तो आप लोग फ्रेजेस लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि नेवर यूज़ है, मैंने कि यूज़ नहीं करना है, तो ऐसा है कि आप लोग ये बातें समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आइएगा, लिखा है कि नोट शुड बी इन फॉर्म, जो नोट लिखा जाता है वो किस फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, नैरेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम आपका फोर में। लिखा है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। देखिए अभी आपको बताए थे नोट मेकिंग जो है किस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, तो कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखा जाता, जबकि लिखने की बात अगर करेंगे तो किसमें होगा, फ्रेजेस में, ऑप्शन नंबर बी पर। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं। तो फाइव में लिखा है, नोट्स शुड बी इन ए डैश फॉर्म, जो नोट लिखा जाता है वो कैसा होना चाहिए, तो वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, तो सिक्स में लिखा है, वेल राइटिंग अ नोट, यानी कि नोट लिखते समय इन विच इज नॉट यूज, कह रहा है इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हेडिंग भी होता है, सब लीडिंग भी होता है, एब्रिवेशन भी होते हैं, और ये आर्टिकल्स जो है वो नहीं होती है, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर। क्वेश्चन नंबर आइए आपका सेवन में, क्या लिखा है, वेल राइटिंग अ नोट कन्वेंस मेथड ऑफ डिविजन्स ऑफ हेडिंग इस इन द डैश सिस्टम, कह रहा है कि किस सिस्टम में उसका हेडिंग जो है वो लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेसिमल, ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर एट पर आइएगा, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, जब फॉर्मल लेटर स्टार्ट किया जाता है, आप तो लेटर लिखते होंगे, जब फॉर्मल लेटर स्टार्ट किया जाता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, डेट से स्टार्ट होता है, या सेंडर एड्रेस से होता है, या रिसीवर एड्रेस से होता है, या सब्जेक्ट से होता है, तो ये सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन पर आइएगा, लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न टू, जो लेटर लिखा जाता है एडिटर को वो कौन सा होता है, तो आप देखिएगा आंसर इसमें न्यूज़पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन पर आइएगा, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन, रिपोर्टिंग जो किया जाता है किसी भी इवेंट का वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि पहला इंफॉर्मेशन होता है, यानी 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन। 11 पर आइएगा, द पर्पस ऑफ इन्विटेशंस इज टू, किसी भी इन्विटेशंस का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इनवाइट करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 12th में, वेल राइटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिखते समय क्या है कि वेयर शुड द राइटर मेंशंस हर एंड हिज नेम, कह रहा है आर्टिकल लिखते समय क्या है कि उनका नाम किस जगह पर मेंशन किया जाता है, तो एट द एंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 11-12 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 13 पर आइएगा, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, है ना, रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, इंक्वायरीज जो किया जाता है कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो देखिएगा
जो लेटर होता है इंक्वायरी के लिए लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर होता है, लेटर टू एडिटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, तो इसे बिजनेस लेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पर, वे राइटिंग ए नोट, नोट लिखते समय इन विच द फॉलोइंग इज ए फ्रीली यूज, किसे यूज किया जाता है फ्रीली को, तो एब्रिविएशन ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत बार सवाल पूछा है, जो 14 नंबर जो सवाल है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइएगा, इन नोट मेकिंग सेंटेंस, सॉरी इन नोट मेकिंग नोट, नोट्स आर नॉट रिटेन इन, कह रहा है कि जो नोट मेकिंग लिखते समय नोट्स को किसमें नहीं लिखा जाता है, नॉट रिटेन इन, तो ये सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पर, यानी 16 नंबर पे, तो 16 पे आते हैं, तो 16 में लिखा है कि व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट, व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मस्ट मेक सेंस, है ना, सेंस बनाने के लिए सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए, इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, कह रहा है कि जो नोट मेकिंग जो सेंटेंसेस होता है, यानी इंफॉर्मेटिव जो होता है, इन नोट मेकिंग में जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो डिवाइड होता है, किस डिवाइड का मतलब है कि वो किस टाइप का होता है, तो लॉजिकली होना चाहिए, है ना, लॉजिक होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, सैम्बल्स आर फ्रीली यूज इन, कह रहा है सैम्बल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, संकेत जिसे कहते हैं ना, सूचक जिसे इस्तेमाल करते हैं, तो किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो लेटर राइटिंग में नहीं होता है, पैराग्राफ्स में भी नहीं होता है, ऐसे राइटिंग में भी नहीं होता है, नोट मेकिंग में होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पर, इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, कह रहा है कि इसमें नोट मेकिंग में क्या ओमिटेड किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है 20 पर, 20 में क्या लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशंस आर लॉजिकली डिवाइडेड इनटू सब डिवाइडेड बाय द यूजेस ऑफ, कह रहा है कि इंफॉर्मेटिव जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है लॉजिकल डिवाइडेड का, वो सब डिवाइडेड जो किया जाता है वो किस चीज से वो सब डिवाइडेड होती है, मतलब बांटा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, फिगर्स एंड लेटर्स, है ना, फिगर्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, 21 पे क्या लिखा है कि इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूटेशंस इज, कह रहा है कि इसका सॉल्यूटेशन क्या होना चाहिए, और मैंने अभिवादन, है ना, तो कह रहा है कि फॉर्मल लेटर का अभिवादन कैसा होना चाहिए, तो देखिए, डियर सर या डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ऑनरेबल सर या मैडम, रिवेटेड सर या मैडम, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, डियर सर या मैडम, बेस्ट तरीका होता है वो। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइएगा, फॉर्मल क्या है, फॉर्मल इंडिविजुअल, क्वेश्चन नंबर आपका 22 पर, फॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑलवेज रिटर्न इन, जो फॉर्मल इन्विटेशंस दिया जाता है वह किस फॉर्म में होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, थर्ड पर्सन के फॉर्म में, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए, डैश ऑफ बॉयज सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सेंटेंस में लगेगा नन ऑफ द बॉयज सिंग अ सॉन्ग, कोई बच्चा जो है वो गाना नहीं गा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे, टाइप्स ऑफ इन्विटेशंस आर, कह रहा है टाइप्स कितने टाइप का होता है इन्विटेशंस, टू टाइप्स का होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आइए 25 में, इन अ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में देखा जाए, इन अ बिजनेस लेटर द नेम एंड डेजिग्नेशंस ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन द, कह रहा है जो बिजनेस लेटर में नेम और डेजिग्नेशंस जो पद का नाम होता है वो कहाँ लिखा जाता है, किस साइड लिखा जाता है, तो लेफ्ट मार्जिन पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइएगा, रश्मि बाउथ अ बुक एंड डैश इन पर्म, इसका आंसर होगा एन, है ना, एन का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर, तो लेटर टू द एडिटर, एडिटर को जब कोई लेटर लिखा जाता है तो डेट को किस जगह पर मेंशन किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। क्वेश्चन नंबर ये 28 पर लिखा हुआ, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि क्रिएटिव का मतलब होता है कि रोचक, है ना,
रोचक जो राइटिंग होता है जिसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पर, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, किसी को अगर थैंक्स अगर एक्सप्रेशन करना होता है इन राइटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ रिटर्न, तो किस में हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्पीच राइटिंग में। स्पीच राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं थैंक्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे, एडवर्टीजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड अदर, कह रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो क्लासिफाइड हो जाता है, तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन जनरल एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, क्वेश्चन 31 पे जो दिया है सिचुएशंस वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 32 पर, लिखा है नोटिस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट टू स्टूडेंट, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। जो नोटिस स्कूल में किया जाता है जिसे कॉलेज मेंटेन करती है, वो अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, रिपोर्टिंग ऑफ एन सॉरी किसके लिए है कि कौन करता है, नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेन तो हो गया अनाउंसमेंट टू, किसके लिए किया जाता है, स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 33 पे, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स अ ग्रेट डैश स्किल, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कम्युनिकेशंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर इज टू डैश, कह रहा है कि बिजनेस लेटर किस टाइप का होता है, तो प्लेसिंग ऑर्डर्स के तौर पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटर्न टू द ऑफिशियली रिगार्डिंग, ये सिविल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइएगा, इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स नंबर डैश आर अलाउड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक एंड डिजाइंस, कह रहा है जो क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किसमें अलाउ किया जाता है, नो अलाउड होता, नहीं अलाउ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 37 पे, इन राइटिंग नोटिस डेट्स शुड बी मेंशंस एट द बॉटम ऑन द, ये देखिए ये सवाल ना 12th क्लास में पूछा गया था अभी जो एग्जाम हुआ उसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए, डैश डिजाइंस आर द फीचर्स ऑफ ए गुड पोस्टेड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 39 पर, वेल राइटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिखते समय द कंपोजिशंस ऑफ द आर्टिकल्स शुड बी, जो कंपोजिशंस होता है वो कहाँ होता है, तो आपका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, शुड बी कैसा होना चाहिए, तो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, वेल राइटिंग बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर लिखते समय द डेट जो है शुड बी रिटर्न बिलो द, डेट जो है वो कहाँ होना चाहिए, है ना, डेट जो है वो कहाँ लिखा जाता है, कहाँ पर बिजनेस लेटर में, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 एड्रेस ऑफ द एड्रेस, है ना, एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, लिखा है वेल राइटिंग नोट इन द टाइटल शुड बी, देखिए अभी इसको टाइटल या फिर आपका जो फेजेस पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेज, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 41 दोनों सेम है। आते हैं इन नोट मेन पॉइंट्स आर डोनेटेड बाय, देखिए जो हम लोग नोट लिखते हैं, नोट लिखते समय हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चलते हैं ना, तो पॉइंट जो चलते हैं तो पॉइंट्स को किस तरह से डोनेट किया जाता है, इन नोट मेन जो मेन पॉइंट्स होता है, जो मेन पॉइंट्स हम लिखते हैं उसमें किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो ये जो डिनोटेड होता है वो मेन पॉइंट या पॉइंट्स के अंदर को डिनोट करते हैं, किसी भी पॉइंट के अंदर डिनोट, और इसका अंदर डिनोट होता ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी 1 2 3 4, यानी नंबर में करते हैं 1 2 3, ये नंबर्स में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन अ कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, देखिए एक एप्लीकेशन लिखा गया चेयरमैन को, तो कह रहा है ये लेटर जो है किसके अंदर आएगा, तो फॉर्मल लेटर होगा, इनफॉर्मल लेटर होगा, कंप्लेन लेटर होगा, बिजनेस लेटर होगा, बिजनेस लेटर तो है नहीं,
या इस बात कंप्लेन भी नहीं किया जा रहा है और इनफॉर्मल भी तो नहीं है, सगा संबंधी को भेज नहीं रहे, तो ये कैसे हो जाएगा? फॉर्मल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 पर आते हैं, आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन्स डज नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि आर्टिकल्स में किस चीज का कंक्लूजन नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूड, कंक्लूजन्स डज नॉट इंक्लूड, तो वार्मिंग यानी ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, वेल ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मतलब होता है ड्रॉ करना यानी बनाना, ड्राफ्टिंग क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज शुड बी, कह रहा है जो क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट होता है, हालांकि एडवर्टाइजमेंट तो दो तरह का था ना, जो क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट होता है वो शुड बी किस तरह का होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन, शॉर्ट होना चाहिए और पॉइंट बाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 पर आता है, वेल राइटिंग नोट्स द सिग्नेचर ऑफ इशूंग अथॉरिटीज, किसी भी, देखिए जब नोट लिखा जाता है किसको, जो अथॉरिटीज होता है उसको, तो कह रहा है राइट एट द बॉटम ऑन द, कह रहा है कि किस तरफ उसका सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर अथॉरिटी का सिग्नेचर किस तरफ होना चाहिए, कह रहा है वेल राइटिंग नोट्स ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द इशूंग अथॉरिटीज, जो भी नोट लिखा जाता है उसमें जो अथॉरिटी होता है वो किस तरफ साइन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट मार्जिन में, लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 47 पे आता है, वो पोस्टर शुड बी सो डिजाइन डैट इट मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ द, कह रहा है कि जो पोस्टर होता है वो अटैच करता है बहुत सारे डिजाइंस को, डैट क्या कैच होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या मेन बातें बोले, फेजेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 48 पर आइएगा, वेल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए विच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन द सिमेट्रिक एंड डैश ऑर्डर, यानी किस फॉर्म में होना चाहिए, सिमेट्रिक माने कि सीधा शब्दों में होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, लॉजिकल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पर, वे आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर लिखते समय जो सेंडर का एड्रेस होता है वो एट द टॉप, एट द टॉप होता है किस साइड में होता है, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर की तरफ होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा थ्री। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, तो जो फॉर्मल लेटर में कम्प्लीमेंट्री जो क्लोज करते हैं वो किस तरह का क्लोजिंग होना चाहिए, योर्स लविंग, योर ट्रूली, देखिए फॉर्मल लेटर में लविंग का इस्तेमाल जो करते हैं इनफॉर्मल लेटर में किया जाता है, और देखिए ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, देखिए एडिटर बोल भी दिया है, तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री का क्लोज करने का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योर्स ट्रूली या फैथफुली, है ना, तो फॉर्मल लेटर में क्लोजिंग हम लोग इसीज करते हैं, इसके बाद में नाम पता। क्वेश्चन नंबर 51 पर आता है, इन अ लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज राइट इस लेटर, राइट इज व्हाट इज रिटन एज सॉल्यूशंस, कह रहा है कि स्कूल में एक लेटर लिखते स्कूल का या तो कॉलेज का जो रिटर्न होना चाहिए किस तरह का अभिवादन होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका हम लोग जो स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं क्या करते हैं, डियर तो नहीं बोलते, लविंग भी नहीं, फैथफुली भी नहीं होता, क्या करते हैं डियर सर या मैडम करते हैं, उसको अपना बारे में बताते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, ऑफिशियल लेटर कैन बी प्रोबेबली डिवाइडेड इनटू अ डैश कैटेगरीज, कह रहा है कि ऑफिशियल लेटर कितने टाइप का होता है, तो ऑफिशियल लेटर तो थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, और बिजनेस लेटर रिक्वायर्स, कह रहा है बिजनेस रिक्वायर्स करता है किस चीज का, डैश विद द नेम एंड बिजनेस, तो किस चीज का होता है, फुल सिग्नेचर, या बिजनेस लेटर में क्या होना चाहिए कि रिक्वायर्ड करता है फुल सिग्नेचर नाम के साथ और उसका डिजिनेशंस के साथ, जब कोई बिजनेस लेटर जो बिजनेस वाला आदमी होता है जो किसी अथॉरिटीज होता है वो अपना जो सिग्नेचर करता है वो फुल सिग्नेचर करता है, साथ साथ अपना फुल नेम होना चाहिए और साथ ही साथ वो किस पद पर है उसका भी नाम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पर, एना फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस जो है इंक्लूड होती है, रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर एड्रेस किस तरह का होता है, रिसीवर नेम के साथ, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। आगे आते हैं 55 में, वन शुड स्टार्ट स्पीच बाय, कह रहा है कि इसमें से कौन जो है कि स्पीच का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब किसी हम लोग स्पीच देते हैं तो स्टार्टिंग लाइन क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन,
यहाँ पे क्या होता है कि भीड़ को अभिवादन करने के लिए स्पीच किया जाता है ऑडियंस को, स्पीक एंड द ऑडियंस, है ना। वेटिंग द चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट मौजूद होते हैं उनके, और जो स्पीच दिया जाता है ऑडियंस को लेकर, तो ऑप्शन वन हो जाएगा। क्वेश्चन 56 पर आते हैं, ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि ऑफिशियल लेटर इसमें से किस में इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मेकिंग रिक्वायर्ड्स या आपका अपील। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, हम लोग नोट मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट मेकिंग में किस चीज का अवॉइड किया जाता है, किस चीज को छोड़ा जाता है, तो लॉन्ग सेंटेंस को छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फ्रीली यूज किया जाता है नोट मेकिंग में। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, समरी डज नॉट एक्सीड डैश ऑफ लेंथ, कह रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, समरी जो राइटिंग होना चाहिए वो एक्सीड होना चाहिए, लेंथ उसका कितना होना चाहिए, तो 1/3। 60 पर आते हैं, द समरी कंटेंट, जो समरी होता है वो क्या कंटेंट करता है मेन आइडियाज को, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आते हैं, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट मेकिंग हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करते हैं, है ना। ये कुल मिलाकर जो है आप लोग को टोटल 60 क्वेश्चन पार्ट वन में कंप्लीट, 61 क्वेश्चन करवाए हैं, 61 क्वेश्चन जो है ये पार्ट वन का है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग का एग्जाम होगा उसके लिए है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और अगर किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।